हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न आप ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं करते हो तो आपको क्या क्या कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, आपको क्या क्या नुकसान होने वाला है। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहे, मैं आपको सारे जो भी जितने भी आपको नुकसान होने वाले हैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, फ्रीलैंसिंग बिजनेस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स होते हैं या नए प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको मैं डेली वीडियोस लाता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो जो सबसे पहला नुकसान, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं करते, हमारे केस में 20 साल ड्यू डेट 31 दिसंबर 2020 है, जो कि एक्सटेंडेड ड्यू डेट है। अगर उससे पहले आप फाइल नहीं करते तो आपको जो भी आपका कैरी फॉरवर्ड करना है लॉसेस को, जो आपके बिजनेस में मान लो आपके 10 लाख का लॉस हो रखा है, उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। कैरी फॉरवर्ड का मतलब, अगर आप रिटर्न टाइम पे भर देते हैं, विद इन ड्यू डेट भर देते हैं, तो आप फ्यूचर प्रॉफिट्स में से वो लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भरते हैं तो आपको ये लॉसेस एडजस्ट करने के लिए अलाउ नहीं होगा। तो अगर ड्यू आपके कैरी फॉरवर्ड लॉस आपके लॉसेस है बिजनेस में और उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आप ड्यू डेट से पहले पहले रिटर्न फाइल कर लीजिए। अब जो दूसरा नुकसान होने वाला है आपको, वो इंटरेस्ट का नुकसान होगा। अगर आपका रिफंड है तो आपको इंटरेस्ट ऑन रिफंड नहीं मिलेगा टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और अगर आपको आपका लाइबिलिटी बन रहा है, टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है, तो आपको 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा फ्रॉम ड्यू डेट टिल द फाइलिंग डेट। तो सपोज आपका 31 दिसंबर 2020 को आपका रिटर्न फाइलिंग है लास्ट डेट, और आपने फाइल करा उसको फरवरी में एंड में, तो आपको 2 महीने का इंटरेस्ट भी 1% के हिसाब से देना पड़ेगा अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी है। ऑलरेडी ऑलरेडी आपने टैक्स लाइबिलिटी पे कर रखी है, फिर भी आपको ये इंटरेस्ट ड्यू डेट के बाद रिटर्न भरने के लिए देना आपको पड़ेगा। तो ये दूसरा हमारा कंसिक्वेंस हमें फेस करना पड़ेगा। तीसरा कंसिक्वेंस, आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो आपको 5 लाख से ऊपर टोटल इनकम है तो आपको 10,000 रुपए की एक पेनल्टी फिक्स अमाउंट की देनी पड़ेगी, और अगर आपके 5 लाख से कम इनकम है फिर भी आपको 1,000 रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ये एक फिक्स अमाउंट का नुकसान भी आपको होगा। अब चौथा पॉइंट पे आ जाते हैं हम, कि अगर हम ड्यू डेट से बाद फाइल करते हैं, यानी कि 31 दिसंबर से बाद फाइल करते हैं, लेकिन 31 मार्च 2021 जो कि बिल्कुल लास्ट डेट है, उसके बाद अगर आप फाइल उसके बाद भी आप फाइल नहीं करते हैं, तो देर इज चांसेस कि इनकम टैक्स आपसे आपके ऊपर कम से कम 50% की पेनल्टी भी लगा सकती है। और अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर है तो आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। पर हर केस में जेल नहीं होती, बट स्टिल देर आर चांसेस। तो अगर आपकी आपके रिटर्न आपके आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न अप्लीकेबल है तो आप ड्यू डेट से पहले फाइल करें, और जितने भी आपको बेनिफिट्स, जो भी नुकसान आपको हो रहे हैं वो नहीं होंगे, और जितने भी आपको बेनिफिट्स क्लेम करने हैं वो आप उससे पहले पहले क्लेम कर लीजिए। और इन केस आपके अगर टैक्सेबल इनकम नहीं है बिल्कुल भी, तो आप 31 मार्च 2021 से पहले तो फाइल कर ही दे रिटर्न को, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। होपफुली वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। इसी तरह के इनकम टैक्स, जीएसटी रिलेटेड अपडेट्स, फ्रीलैंसिंग बिजनेस से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।